आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बिल्कुल चमचमाती नई गाड़ी, उसका रिव्यू और उसमें देखेंगे कि क्या क्या मिलेगा आपको। तो शुरू करते हैं वीडियो और अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निकार विकार ब्लॉग में। और भाई आज हम इस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं, वो है मारुति की इको, जो बहुत ज्यादा बिकती है और आज भी इसकी काफी डिमांड है और टॉप 10 की लिस्ट में हमेशा ये बनी रहती है। पिछले कुछ महीनों में ये टॉप 20 में भी गई थी, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खुला और मतलब गाड़ियां खरीदनी स्टार्ट हुई तो ये गाड़ी जो है फिर से एक फोकस बन गई है और दोबारा से ये काफी ज्यादा बिक रही है। सो गाइस, ये गाड़ी है दीपक भाई की और आज इनसे जानेंगे हम कि इस गाड़ी के लेने का पर्पज क्या था और क्या क्या इसमें इनको मिला और कितने रुपए की ये पड़ी, ये सब सवाल जानेंगे। सो भाई दीपक, आपने ये गाड़ी किस पर्पज के लिए ली और कितने की आपको पड़ी है, सबसे पहला सवाल? ये अपने फैमिली के लिए ली है क्योंकि फैमिली है बड़ी। अच्छा, इसमें भाई है, पापा है, मम्मी है। अच्छा अच्छा, छोटा वाला भैया भी है। ओके भाई, जैसे छोटे बच्चे हैं वे अपना पीछे बैठ जाए, वैसे बाकी जो फैमिली वाले हैं ओके अपना कुछ आगे हो जाए। हाँ, वैसे बच्चों के लिए काफी जगह स्पेस है पीछे और बीच में जो है, बीच में रो में जो है तीन आदमी आराम से इसमें बैठ सकते हैं। तो हमने इसको लिया क्योंकि और वो गाड़ियों में फुल फैमिली आ नहीं पाती। हाँ हाँ बिल्कुल, पांच सवारी वाली गाड़ी में पूरी फैमिली नहीं आ सकती, आठ सात लोग नहीं आ सकते, इसलिए हमने ये ली। अच्छा, तो गाड़ी ये सीएनजी है भाई? सीएनजी पास है, एसी पास है। ओके, तो फाइव सीटर में आई थी, आपने जो एक्सेसरी जिसमें सीट में जो है लगवाई है, अपनी तरफ से लगवाई है। अच्छा, तो ये सीट का जो खर्चा पड़ा वो कितना पड़ा भाई? ये टोटल पड़ा जी 4,500 का। 4,500 में आपकी सीट लग गई। और स्टीरियो वगैरह जो आपने लगाया है ये कितने का पड़ा है? ये जो कुछ तो कंपनियों ने दिया था, कुछ हमने लगवाया अपने पास से। अच्छा, तो ये जेवीसी का जो सिस्टम है ये कंपनी से मिला था आपको? अच्छा, इसके साथ में आपने बेस ट्यूब लगवाई है? हाँ जी। अच्छा, ये कितने की पड़ी गाड़ी टोटल? ये टोटल पड़ी जी 7,350 की। 7,350 मतलब खरीद है और आपने ये फाइनेंस करवाई है? ये पड़ी 8,350 की। 8,350 की पड़ेगी, मतलब 1,00,000 रुपए सीधे सीधे बढ़ जाते हैं अगर आप वो देते हो तो, ब्याज पे लेते हो तो है एक तरीके से। तो दीपक भाई, एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि और भी एमपीवी आती हैं, जैसे कि एक और एमपीवी आती है सेमी प्राइस में आती है दूसरी कंपनी की, तो वो क्यों नहीं लिया आपने? ये इको ही चूज करने का क्या पर्पज है मेन? तो मेन पर्पज ये है क्योंकि एक तो छोटी गाड़ी है और स्पेस काफी है इसमें। ओके, इसलिए मतलब बच्चे भी है, मेंटेनेंस होगा शायद, मेंटेनेंस भी इसका क्योंकि मारुति का मेंटेनेंस सस्ता पड़ता है और गाड़ी ज्यादा है इसकी, उसकी माइलेज कम है। ओके, इसकी माइलेज भी काफी अच्छी है। तो कितनी माइलेज क्लेम करती है ये? 30-32 कर जाती है कवर। बिल्कुल 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 कर जाती है क्योंकि मारुति की गाड़ी है। सो सेफ्टी पर्पज के लिए इसमें क्या दिया गया है? दो एयर बैग दिए गए, एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंट साइड में। सो गाइस, एक वॉक अराउंड देख लेते हैं और देख लेते हैं इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलेगा। ग्राफिक्स जो है आपको साइड में देखने के लिए मिल जाएंगी, डोर हैंडल से पिछली डोर और फिर पीछे तक, मतलब सी पिलर तक आपको जाएंगी। उसके बाद आपको लुक्स जो है फ्रंट की कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जो कि बहुत ही मतलब डिसेंट सी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते पर हाँ एज वेल इतनी बुरी भी नहीं है। बट हाँ ये है कि भाई आपको एक फैमिली पैकेज इसमें मिल जाता है। एक्सेसरीज के तौर पर यहाँ पर इन्होंने लगवाए हैं फॉग लैम्प, जो कि ज़्यादा महंगे नहीं है और इनका थ्रो भी बहुत अच्छा नहीं है, बट हाँ स्टिल कुछ है, बस यही कह सकते हैं। और पीछे जो लगवाई हुई है इन्होंने, पीछे ये मतलब रोड लगवाई हुई है ताकि बाइक वगैरह जो होती है उसे डेंट ना पड़े, नई गाड़ी है। और सीटिंग कंफर्ट देख सकते हैं आप, पीछे वाली सीट जो है काफ़ी ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है, लेकिन मेरे जैसे 6 फीट की हाइट वाले लोगों को इसमें हेडरूम अच्छा नहीं मिलता है, स्टिल इसमें 3 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। फिर जो पीछे वाली सीट की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ बच्चे या लेडीज इसमें बैठ सकते हैं। और शीशा जो है साइड शीशों की अगर हम बात करें आरबीएम्स की, तो वो सिंपल मिलेंगे, पेट्रोल का फिलिंग नॉब मिल जाएगा आपको ड्राइवर साइड में और दूसरी साइड में मिल जाएगा आपको गैस का फिलिंग नॉब। सो ये आपको वॉक अराउंड दिखा देते हैं गाड़ी का, और पिलर पे ही आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। तो 5 सीटर गाड़ी है, इसमें एसी आपको मिल जाएगा, सीएनजी सिलेंडर के साथ में मिलती है गाड़ी, 5 सीटर आती है। और कुछ इस तरीके का इसका आपको स्पीड मीटर दिखाई देगा और डैशबोर्ड जो है वो सिंपल डिसेंट सा है, ज़्यादा स्पेस इसमें नहीं आपको दिखाई देगा। सो बिल्कुल सिंपलिस्टिक गाड़ी इसको कह सकते हैं हम। सो गाइज़, अगर आपको इसकी डिक्की का स्पेस यूज़ करना है तो डिक्की में आपको लीवर मिलेगा, इसको उठाने पर आप डिक्की को खोल सकते हैं। तो ये थी कहानी इको की, जो कि मारुति सुजुकी की तरफ से आती है,
फाइव सीटर गाड़ी आती है सीएनजी के साथ में, एसी भी मिलता है आपको इस गाड़ी में। तो जो भी एक्सेसरीज में लगी है वो हमने आपको बताई। कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।